पांचाली द्रौपदी को आखिर क्यों करना पड़ा पांच पुरुषों से विवाह? आखिर अपनी शादीशुदा जिंदगी में कैसे पांचों पांडवों को इकलौती द्रौपदी खुश रख पाती थी? दोस्तों, द्रौपदी के चरित्र को समझना कोई आम बात नहीं है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि द्रौपदी को कैसे मिल गए पांच पति और क्या करती थी पांडवों के साथ। हेलो दोस्तों, मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ द फैबुलस इंडिया में। दोस्तों, द्रौपदी को जहाँ इस जन्म में पांच पतियों की पत्नी बनने का सुख प्राप्त हुआ, वहीं द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। जहाँ द्रौपदी को पांच गुणवान पति प्राप्त थे, वहीं द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में बहुत बड़े पाप की भागीदार भी थी। दोस्तों, ये तो हम सब भी जानते हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्धर अर्जुन ने उसे जीत कर अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया और माता कुंती के आदेश के अनुसार वह पांचाली कहलाई। लेकिन पूर्व जन्म में रूपवान, गुणवान और सदाचारिणी होने के बावजूद भी उसे कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। इससे द्रौपदी दुखी होकर महादेव की तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम मनचाहा वरदान मांग लो। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा कि मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। वो बोली, मुझे एक न्यायप्रिय पति चाहिए, एक शक्तिशाली पति, एक बहादुर पति, एक बुद्धिमान पति और एक सुंदर पति की इच्छा है। प्रभु, मुझे ऐसा पति दीजिए जिसमें यह सारे गुण निवेश करते हो। भगवान शंकर ने कहा कि एक व्यक्ति में इतने सारे गुण होना मुमकिन नहीं है, इसलिए तुम्हें दूसरे जन्म में एक नहीं बल्कि पांच पति मिलेंगे और तुम पांच पतियों की पत्नी कहलाओगे। तब द्रौपदी ने कहा कि मैं तो आपकी कृपा से सिर्फ एक ही पति चाहती थी। इस पर शिव जी ने कहा कि मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें पांच पति ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान स्त्री रही होगी और अगले जन्म में द्रौपदी को पांचों पांडव का साथ मिला। एक पत्नी को किस तरह अपने पति धर्म का पालन करना चाहिए, इसका द्रौपदी से अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता। महाभारत में एक दृश्य है जहां सत्यभामा द्रौपदी से मिलने आई और दोनों आपस में बातचीत करने लगे। सत्यभामा ने बातों बातों में द्रौपदी से पूछा कि सखी, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे पति पांडव तुम्हारे वश में रहते हैं, वे सभी तुम्हारे अधीन है, सो आप ये रहस्य मुझे भी बताएं कि आपके पांच बलशाली पांडव पति आपका इतना सम्मान कैसे और क्यों करते हैं। द्रौपदी ने कहा, मैं अहंकार और क्रोध से दूर रहती हूँ। मैं अपने मन पर काबू रख कर केवल पति की खुशी देखते हुए उनकी सेवा किया करती हूँ। असभ्यता से खड़ी नहीं होती, उनसे कड़वी बातें भी नहीं कहती, बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ और ना ही बुरे आचरण को अपने पास भी भटकने देती हूँ। उनके हर संकेत का अनुसरण भी करती हूँ, चाहे कैसा भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के अलावा किसी अन्य पुरुष पर आकर्षित नहीं होता है। पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन भी नहीं करती, उनके नहाए बिना मैं नहाती नहीं और जब जब पति घर आते हैं तो मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, समय पर भोजन बनाती हूँ और सभी को प्रेम से खिलाती हूँ। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते और सेवन नहीं करते, मैं उन सभी चीजों से दूर रहती हूँ। मेरी सास ने मुझे जो भी धर्म बताए हैं, मैं उनका कड़ा पालन करती हूँ। विपरीत समय में अपने पति का हर संभव सहयोग करती हूँ। दोस्तों, द्रौपदी के इस संवाद में देवी सत्यभामा से यह दर्शाता है कि वह अपनी शादीशुदा जीवन को कैसे प्रेम पूर्वक व्यतीत करती थी। पांच पतियों वाली द्रौपदी अपने व्यवहार से हमेशा पांडवों को खुश रखती थी। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी ऐसे एक वीडियो के साथ।